really teach. Capital letter yes. How to write capital letter yes? So firstly open your notebook of English. Then write the reading class word. Write down yes letter and draw the picture of sir. Okay. You can say yes for shoe. You can say yes for sun. You can say yes for spoon. Okay. So now write down yes letter. So firstly we select these three lines and draw capital yes. So हमें शुरुआत में इस लिखते वक्त इस तरह से हाफ सर्कल देन उसे अपोजिट साइड में हाफ सर्कल राइट डाउन करना है कहना है एस फॉर सन इस तरह से एस लेटर लिखना है कैपिटल एस एस फॉर सन ओके फिर इसे कंटिन्यू करना है एस फॉर सन एस फॉर सन एस फॉर सन S for sun, S for sun देना है, S for sun इस तरह से आपको capital S लिखना है students, बहुत easy है, S for sun, S for sun, S for sun, ऐसे कहते हो आपको S letter लिखना है class work में one page आपको ऐसे लेटर लिखना है और कहना है एस फॉर सर आपको वन पेज कंप्लीट करना है क्लास वर्क में अभी हम टेक्स्ट बुक देखेंगे सो स्टूडेंट्स ओपन योर टेक्स्ट बुक्स ऑन पेज नंबर 38 देयर आर कैपिटल एस लेटर एस फॉर शू ट्रेस एंड राइट ट्रेस करो और लिखो यहाँ पे डॉटेड लाइन हमें ट्रेस करनी है एस फॉर शू कहना है क्योंकि शू का पिक्चर है एस फॉर शू एस फॉर शू एस फॉर शू S for shoe, यहाँ पे भी S for shoe, S for shoe, S for shoe, S for shoe, ऐसे कहते हो कि लिखना है S for shoe, S for shoe एस फॉर शू ऐसे कहते वक्त हमें एस लेटर लिखना है यहाँ पे भी हम ट्रेस करेंगे एस फॉर शू एस फॉर शू एस फॉर शू यहाँ पे आपको राइट डाउन करना है एस फॉर शू एस फॉर शू एस फॉर शू एस फॉर शू ऐसे कहते हो आपको पेज नंबर 38 कंप्लीट करना है स्टूडेंट्स कैपिटल एस लिखना है अभी हम नेक्स्ट लेटर स्मॉल लेटर देखेंगे तो स्टूडेंट्स जो आपकी नोटबुक है उसके नेक्स्ट पेज पे आपको एस स्मॉल एस लिखना है एस फॉर सनफ्लावर कहना है ओके तो एस लिखते वक्त जो मिडल लाइन है वो इस्तेमाल कर लिया हमें स्मॉल लेटर इस तरह से लिखना है और कहना है एस फॉर सनफ्लावर एस फॉर सनफ्लावर एस फॉर सनफ्लावर एस फॉर सनफ्लावर इस तरह से आपको स्मॉल एस लिखना है स्टूडेंट्स क्लास वर्क में वन पेज कंप्लीट करना है ये एस फॉर सनफ्लावर 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 देखिए मैं लिख रही हूँ कह रही हूँ वैसे आपको लिखना और कहना है एस फॉर सनफ्लावर ये आपको एक पेज कंप्लीट करना है स्टूडेंट्स S for sunflower, S for sunflower, S for sunflower, S for sunflower. ऐसे कहते हो आपको जो नोटबुक है उसमें फिर से स्मॉल लेटर S A क्लास वर्क में एक पेज कंप्लीट करना है क्लास वर्क में कैपिटल S देखा था हमने वो भी आपको लिखना है उसके नेक्स्ट पेज पे स्मॉल S लिखना है ओके दोनों क्लास वर्क में कंप्लीट करना है वन वन पेज कंटिन्यूअसली अब हम स्मॉल एस जो है टेक्स्ट बुक में देखेंगे देखिए यहाँ पे हमें एस दिया है पेज नंबर 39 पे एस फॉर शिप ओके यहाँ पे शिप दी है ट्रेस एंड राइट यहाँ पे स्मॉल एस लेटर दिए हैं देखिए इस तरह से हम लिखेंगे ट्रेस करेंगे एस फॉर शिप कहेंगे क्योंकि शिप का पिक्चर वहाँ पे है एस फॉर शिप एस फॉर शिप एस फॉर शिप एस फॉर शिप अभी ये नेक्स्ट लाइन एस फॉर शिप कहना है स्टूडेंट्स
एस फॉर शिप, एस फॉर शिप, एस फॉर शिप, यहाँ पे आपको राइट डाउन करना है, एस फॉर शिप, एस फॉर शिप, एस फॉर शिप, एस फॉर शिप, ओके। यहाँ पे भी जो है ट्रेस करेंगे इसे, एस फॉर शिप, एस फॉर शिप, एस फॉर शिप, एस फॉर शिप, यहाँ पे आपको लिखना है, एस फॉर शिप, 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 ऐसे कहते हो कि पेज नंबर 39 आपको स्मॉल लेटर लिखना है, वहाँ पे कंप्लीट करना है स्टूडेंट्स। यानी टेक्सटबुक को, टेक्सटबुक में आपको पेज नंबर 30 और 39 ये दोनों कैपिटल एस एंड स्मॉल एस कंप्लीट करने हैं, दोनों के फोटोज मुझे सेंड करने हैं। अभी हम होमवर्क देखेंगे। सो स्टूडेंट्स, अभी आपको होमवर्क करना है, जो नोटबुक में करना है होमवर्क, हेडिंग देना है, एस लेटर लिखना है, एस फॉर सन ड्रॉ करना है। तो ये जो कैपिटल एस है आपको 2 पेजेस कंप्लीट करना है नोटबुक में। तो स्टूडेंट्स, एस लिखने के बाद ऊपर के साइड में लिखना है हमें एस, कहना है एस फॉर सन, एस फॉर सन, एस फॉर सन, एस फॉर सन, ओके। इसे कंटिन्यू कॉपी करना है, एस फॉर सन, ये आपको 2 पेजेस कंप्लीट करना है एस लेटर, एस फॉर सन, एस फॉर सन, एस फॉर सन, यहाँ पे भी एस फॉर सन लिखेंगे हम, एस फॉर सन, एस फॉर सन, एस फॉर सन। इस तरह से आपको कैपिटल एस लिखना है। ये जो होमवर्क है आपको 2 पेजेस कंप्लीट करना है स्टूडेंट, एस फॉर सन क्लास वर्क 1 पेज कैपिटल एस एंड होमवर्क 2 पेज, ओके। यानी 3 पेज पे आपको कैपिटल एस लिखना है नोटबुक में, ओके। अभी हम स्मॉल एस का होमवर्क देखेंगे। अब हम नेक्स्ट देखेंगे स्मॉल एस, उसका होमवर्क, वो भी आपको 2 पेजेस कंप्लीट करना है एस फॉर सनफ्लावर कहना है। तो स्मॉल एस लिखते वक्त मिडल लाइन में हमें एस लिखना है, स्मॉल एस कहना है एस फॉर सनफ्लावर, 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 ऐसे कहते हुए आपको ये स्मॉल एस 2 पेजेस लिखना है स्टूडेंट्स होमवर्क में। एस फॉर सनफ्लावर, एस फॉर सनफ्लावर, एस फॉर सनफ्लावर, एस फॉर सनफ्लावर। तो ये जो है आपको ये स्मॉल एस 2 पेजेस होमवर्क करना है, और स्मॉल एस का मैंने क्लास में सिखाया था 1 पेज, यानी स्मॉल एस आपको 3 पेजेस लिखना है नोटबुक में, 1 पेज क्लास वर्क, 2 पेजेस होमवर्क। एंड टेक्सटबुक में भी आपको कैपिटल एस 1 पेज लिखना है एंड स्मॉल एस 1 पेज। ऐसे सभी होमवर्क के और क्लास वर्क के फोटोज, नोटबुक के फोटोज एंड टेक्सटबुक के फोटोज निकाल के मुझे सेंड करने हैं, ओके स्टूडेंट्स। नाउ स्टॉप हियर।